उसके बारे में मैं और बताऊंगा। अभी एक सूचना है, सूचना देंगे श्री त्रिवेदी जी। मैं माफी मांगते हुए जो पादुका पूजन के जो व्यक्ति हैं, सत्य प्रकाश जोशी जी परिवार, मुरली धरजी जी पुजारी परिवार, आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच के पहले। आज की डेट है 17 जनवरी 2024, राम प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जस्ट कुछ टाइम और, 4-5 दिन और है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यहाँ अयोध्या में कितने जोरों शोरों से काम चल रहा है, सोचा कि एक और वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हर दिन कुछ न कुछ अपडेट यहाँ पे हो रहा है। अगर रोडों की बात करें तो यहाँ पर भी अपडेट किया जा रहा है। अब मैं दिखाऊँ, यहाँ पर टाइल से बनाई हुई है जो अपने घर में यूज लेते ना, उस टाइलों से करीब से दिखाऊँ तो देखिए दोस्तों, ये टाइल है पूरी यहाँ पर, और इन पे एक पास में से तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन दूर लेकर के जाऊंगा ना तो यहाँ पर ये तस्वीर उभर करके आएगी। अभी तो इस पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। अच्छा, ये लक्ष्मण जी है और ये राम और सीता। पहले ड्राइंग तैयार करते हैं, उसके बाद में बनाते हैं इसको। बहुत ही बढ़िया भाई, देखिए एक तस्वीर यहाँ पर ये आ गई है। यहाँ से एक पुल बनाया हुआ, और पुल को देखो आकार किस तरह से दिया हुआ, कितना भव्य, कितना शानदार, इस पे अलग अलग रंग किए हुए हैं और इसकी डिजाइन बहुत प्यारी बनाई हुई है। अब सभी के ऊपर यहाँ पेंटिंग कर रहे हैं, ये देखो कितनी सारी यहाँ पर पेंटिंग है दोस्तों। देखो ये यहाँ पर ऐसी जो तस्वीरें हैं, ये पूरी यहाँ पर अयोध्या के अंदर 100 है, एक ही रोड के ऊपर ये 100 बनाई गई है, और ये करीब 30 फीट चौड़ी है और कम से कम 15 फीट ऊंची है। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और ये अब बड़ी फास्ट तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए आगे भी तस्वीरें यहाँ पे बनाई हुई है, और देखिए इस रोड के ऊपर यहाँ पर भी ऐसा, आगे तक देखोगे ना आप तो आगे तक देखो सेम ऐसी डिजाइन में बिल्कुल आगे तक वहाँ तक है। और इस पर रोड पे देखो लाइट्स वगैरह थोड़ी अभी जल चुकी है, रात का थोड़ा संध्या का समय हो गया है। मुझे आपको ये रोड का थोड़ा अपडेट देना था। आगे तो देखो वहाँ पर रामचौक आ गया है और सूर्य द्वार आ चुका है, जैसे अगर आप हाईवे से आते हो तो मेन अयोध्या में एंट्री लेने के लिए एक तो ये रास्ता रहेगा और एक अयोध्या कैंट के पास में से भी है। तो चलो मैं आपको थोड़ा इधर की तरफ देख करके चलता हूँ। यहाँ पर ऋषि मुनि की एक पेंटिंग बना दी, अभी तो इन पे कलर और डालेंगे। यहाँ पे गाय की बना दी, यहाँ पे सूर्य भगवान की बना दिया, यहाँ पे गणेश जी को विराजमान कर दिया, और आगे लिख दिया आपकी यात्रा मंगलमय हो। देखिए नज़ारे, देखिए आप कितने प्यारे हैं, कितने बेहतरीन नज़ारे हैं। ये ऊपर से पुल है, पुराना पुल था, इसको रेनोवेट करके कलर करके और कितना शानदार इसको बना दिया। हजारों पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं सड़क के यहाँ पे बीचों बीच में। अयोध्या का सबसे सुंदर रास्ता यही होगा जिस रोड के ऊपर मैं चल रहा हूँ, धर्म पथ। आपको सिंह द्वार से एंट्री लेंगे, उसके बाद में आगे तक जाओगे ना तो आप, मुझे पता है कि आप जब भी आओगे यहाँ पर रील और वीडियो बनाते हुए ही जाओगे, क्योंकि इस रोड को इतना सुंदर बनाया गया है, छोटी छोटी जगह पर विशेष ध्यान दिया गया है। इधर भी पेड़ लगा दिए हैं, मुझे लग रहा है कि ये जो पेंटिंग है कम्प्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर यहाँ पे फूल पुष्पमाला से इसका उद्घाटन भी कर दिया, लाइटें भी लगा दी गई है, और साइड में ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब ओरिजिनल नहीं है, लेकिन आपको लगेंगे ओरिजिनल के जैसे हैं। ये एक फ्रेम में डाल करके खांचे बनते हैं, सांचे बनाए जाते हैं, और उनसे इस तरह के आप सजाए हुए, लेकिन बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। थोड़ा करीब से मैं दिखाऊंगा इनको, डिटेल वाइज पता भी तो होना चाहिए ना आपको। और ये थोड़ी उभरती हुई फोटो है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा आवाज़ इसमें आ रही है, देखो यहाँ पर मारने पर ऐसे, देखो ये भी दीवार है, देखो कितनी शानदार तरीके से इसको बनाई हुई, ये भी इसी तरह से पूरी, लेकिन इन पर पेंटिंग और इस तरह से किया हुआ कि ये कहीं टाइम तक ख़राब नहीं होगी। देखो इनकी सुंदरता देखिए आप एक बार। यहाँ पर ये पोर्टेबल ऐसे बॉक्स बना दिए, लाए हुए हैं ऐसे, और जिनमें ला करके सीधा रखा, और बैठने के लिए यहाँ पर जगह बना दी, पेड़ पौधे इनमें लगा दिए जो काफ़ी सुंदर लगेंगे। और इधर भी देखिए आप, चारों तरफ ऐसा ही नज़ारा है, ऐसे बहुत पेंटिंग्स वगैरह। और ये जो यहाँ का सिंह द्वार है बहुत ही प्यारा है, सूर्य द्वार है ना, बहुत शानदार लगता है इसको। दोस्तों थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, ये छोटी छोटी टाइल्स को यहाँ पे चिपकाया हुआ है, जो आप देख पा रहे हो ना, ये छोटी सी टाइल ये अलग से चिपकाई हुई है, एक एक छोटे छोटे डॉट्स हैं इनमें, जब जाकर के तस्वीर बनी है पूरी। और साइड में से ये दीवार है ये वाली, तो देखो ये यहाँ पर रखी हुई है, और ये आराम से हुट पा रही है सिंपल। लेकिन ये अच्छी बात है कि बहुत फास्ट तरीके से यहाँ पर काम हो जाता है इससे, देखो कितनी शानदार तरीके से है। और ये जो खम्भे हैं, ये तो करीब 40-40
फिट ऊंचे हैं, जो कितना सुंदर लगते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। अब एक और चीज दिखाता हूँ, जो खंबे थे ना साइड में, ये यहाँ पर ये इनमें से एक को फिटिंग किया जा रहा है, जिसमें देखो इनपे कुछ छोटे सकड़े चौड़े इस तरह से होते हैं ना, तो उनको यहाँ पे एडजस्ट किया जा रहा है। अब ये इनको कटिंग करके फिर करेंगे, ये ऐसा उधर लगा दिया और ऐसा यहाँ पर इसको यहाँ पे लगा दिया जाएगा। सूर्य भगवान की जो प्रतिमा है बहुत बड़ी है ये, यहाँ देखो ये लाइट्स देखिए आप कितनी प्यारी है, देखो कितना ऊंचा खंभा है। देखिए रात में भी यहाँ पे काम चल रहा है पेड़ पौधे लगाने का, यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और खड्डे खोद रहे हैं, इनमें सभी में ये पेड़ लग जाएंगे। यहाँ पर लगेंगे पूरे 3000 पौधे और यहाँ पर बीच में बड़े वाले जो पौधे हैं वो लग चुके हैं, वो 400 पौधे हैं। पक्षियों के लिए वहाँ पे देखो कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी झंडियाँ बना रखी है, शायद लाइट होगी इनमें। ये पेड़ है तो यहाँ पर भी देखो लाइटें लगी हुई, अभी जलाई नहीं है लेकिन ये तैयारियाँ शुरू हो गई है, आने वाले 2-4-5 दिनों में इसको सजाया जाएगा ना, उसके लिए तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है इन्होंने, रात में भी लगे हुए हैं काम करने के लिए। रामघाट हाल्ट रेलवे स्टेशन है जो कि गोरखपुर लखनऊ वाला ये लाइन है, इस पर एक ही लाइन अभी बिछी हुई है लेकिन ये पूरा कंप्लीट दोस्तों नया बनाया हुआ, देखो ये जो भी स्ट्रक्चर देख रहा है ना ये सब नया है, अभी कंप्लीट हुआ है ये काम, काफी ऊंचाई के ऊपर है पूरा प्लेटफॉर्म, यहाँ से देखो नीचे कितना गहरा है। यहाँ पे देखो चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह भी यहाँ पे लगाए हुए, एक साथ बहुत सारे मोबाइल चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ लेजर लाइट लगी हुई है, सब खंभों के ऊपर लगी हुई है और यहाँ आगे तक है ना सब जगह पैसे लगे हुए हैं, देखो कितना शानदार लग रहा है ये घूमता हुआ। जैसे अभी तक थोड़ा उजाला आ रहा है इन लाइट्स की वजह से, अगर ये नहीं होता तो बहुत ही शानदार लगता, सभी खंभों पर लगाया हुआ देखो यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा उजाला होने की वजह से इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा। अब इस खंभे के ऊपर भी इधर से आ रहा फोकस, देखो यहाँ से ये अलग अलग कलर बिखेर रहा है ना, और इस वक्त मैं यहाँ पर आ गया तो मेरे ऊपर भी ये लाइट गिर रही है, यहाँ पर रंगीन है पूरा अलग अलग कलर में फुल डिजाइन इसमें बनी हुई है। घाट क्रमांक 20 के यहाँ पर आ गया और यहाँ पे सरयू नदी का जल देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छे तरीके से बहता हुआ शीतल जल, बिल्कुल शांति से बहती हुई धाराएं, यहाँ पर लिखा हुआ भी राम की पेड़ी, और ये करीब 1 किलोमीटर तक आप जाओगे आगे तो इस पे घाट बने हुए हैं, पूरे 20 घाट है यहाँ पर, आप आगे तक जाइए काफ़ी सारी चीज़ें प्रोग्राम्स राम मंदिर को लेकर के काफ़ी बने हुए हैं यहाँ पे। गाइज यहाँ पर घाट 20 नहीं है, घाट नंबर 33 भी है, इतने घाट बने हुए हैं यहाँ पे। सरयू नदी का आज बहाव तेज है यहाँ पे, वरना यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ यहाँ पे 3 सीढ़ियाँ तो दिख ही जाती है, अब देखो आज तो जो फर्स्ट नंबर की वो भी पूरी डूब ही चुकी है, अब थोड़ा अगर वहाँ पे 6 इसमें पाइप हैं उनको बंद नहीं करेंगे तो और ज़्यादा ऊपर बहाव आ जाएगा। सरयू नदी किनारे एक नया प्रोग्राम ये भी शुरू हो गया, अब ये भी 7-8 दिन तक तो चलेगा ही, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ।